तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग गाइस। तो अभी क्या कहते हैं, हम आए हैं बैंक्वेट हॉल की छत पे। तो अभी हम आए हैं बैंक्वेट हॉल की छत पे और हल्दी और गणेश पूजा ख़त्म हो गई है। अभी शाम को इधर शादी है, उधर से इधर लाना है सारा सामान। वैसे तो आ चुका है सब कुछ, 60% हो चुका है, 40% बचा है। सारा काम हो चुका है, बस स्टेज स्टेज लग रहा है, कुर्सियाँ लग रही हैं। दिखाता हूँ आपको। आज मैं बैंक रात भर जगूंगा और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। काफ़ी ये तो खतरनाक लग रहा है ऊपर से टॉप व्यू। वो सामने बिल्डिंग और तगड़ी लग रही है भाई। तो यहाँ पर स्टेज और डीजे एक साथ बूम बूम। तो कल सुबह हो जाएगी विदाई, क्योंकि रात की शादी है। तो कल सुबह 7-8 बजे विदाई हो जाएगी। और कल से नेहा दी अपने घर में, नेहा दी का नया घर। तो कल से नेहा दी वहाँ होगी, हम नेहा दी को मिस करेंगे। और नेहा दी से यार एक अलग ही बॉन्ड था हमारा, तो बहुत ज़्यादा याद आएगी उनकी। और अभी से बुरा लग रहा है कि यार कल से नेहा दी अपने घर में, एक नई लाइफ स्टार्ट हो जाएगी नेहा दी की। तो कॉन्ग्रेचुलेशन दी को एडवांस में, जब तक ब्लॉग आएगा तब तक शादी वादी सब कंप्लीट हो जाएगी। तो नेहा दी को कॉन्ग्रेचुलेशन और आई मिस यू दी, ठीक है। तो हम मिलते हैं शाम को, जब बारात आ जाएगी उस टाइम मिलते हैं। तो अभी हमें शादी में, और ये सबसे पहले आ जाती है ब्लॉग में, सबसे आ जाती है क्योंकि मैं कभी आई नहीं हूँ। हाँ, अब आ गई ना खुद। हेलो गाइस, हेलो। तो नेहा दी हो चुकी है रेडी और हम भी फुल रेडी हैं। बाहर चल रहे हैं गाने वाने, तो बाहर ब्लॉग नहीं कर सकते, तो इधर ही करते हैं। नेहा दी को दिखाता हूँ आपको, कितनी प्यारी लग रही है। नेहा दी से मिलाता हूँ आपको, ठीक है। नेहा दी का उधर बगल में फ़ोटो शूट चल रहा है, तो मैं इस वाले कमरे में हूँ। यहाँ पर नेहा दी तैयार हो रही थी, अभी उस वाले कमरे में गई है फ़ोटो शूट के लिए। तो वहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, नेहा दी से मिलवाता हूँ। तो ये बहनें तैयार हो रखी है स्वागत के लिए जीजा जी के लिए। ये देखो भाई भी हुआ है, भाई भी हुआ है, भाई भी तैयार हो रखे हैं। तैयार हो रखा जरूरत नहीं, वहाँ बहनों की जरूरत होती है। अरे मैं ये भी ऐसे नहीं बनाते ना, फिर ऐसे बनाते हैं। ये तो आएगा नहीं ना, दूर से लेता हूँ। बहुत बड़ा कैमरा है। पूरा ड्रोन शूट ले लेता हूँ। तो ये है दीपा दी, तैयार हो गई, ये भी जा रही है स्वागत। दीपा दी की ननद है और ये दीपा दी स्वागत के लिए जा रही है दीपा जी का टीका करने के लिए। दीपा दी बहुत क्यूट लग रही है, तारीफ करी मैंने, थैंक यू बोलो जबरदस्ती की। चलो स्वागत करते हैं जीजा जी का। ये सारी बहनें जा रही हैं जीजा जी का स्वागत करने, एकदम लेट लेट में सब आगे पहुंच गई है। और ये परम सुंदरी हमको शर्म आ रहा है, हां मेनका। और ये लवी लवी लवी, इसका पता नहीं। अरे मुंडा है क्या?
मेरे नाम से बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी ऐसी प्रीत मेरी। सब रेडी हो चुके हैं और बारात आने वाली है, पीछे सब तैयार है स्वागत के लिए। सोच ले स्वागत करने के लिए खड़े हैं ये। तूने नहीं खाया? अच्छा कॉफी पीने वाले कितने प्यार से खा रही थी, वीडियो बन रही है अभी तक राक्षसों की तरह। कहाँ गया थाली, कहाँ गई? ये देखो जीजा जी का स्वागत करने के लिए देख रही है। रिबन भी गले में अटक रहा है लेकिन ना खाना जरूर जी। खाओ जीस जीस ऑलिया इनके लिए भूख मरे हैं सब, ये सारी बहनें भूख मरी है सब, कमजोर हो रही है बहुत। हेलो गाइस, गिरने आने दे मेरे में, अब चल जाने दे जो भी ओ चके ताने दे देखो सावन आए रे मन हंसाए में दवा, और सारी उम्र ना गवा दे में दवा। क्यों सोचे बादल भरे हैं जब भी वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है ना। ओ जानवर, हाँ स्टार्ट। ये कोई प्यार व्यार नहीं है, सब वीडियो के लिए किया जा रहा है मैं बता रहा हूँ। अच्छा मतलब ये क्या है बबाल? जबरदस्ती कुछ भी। तो गाइस नया दी हो गई है रेडी जाने के लिए, कहाँ जाएगी स्टेज पे जयमाला के लिए। खुश हो रही, खुशी इतनी खुशी। आपका कौन? कुछ नहीं, बस आपको लाइक सब्सक्राइब मिल जाएगा। नाम बता, मतलब मैं बताऊंगा ना कौन। कोमल, हाँ तो ये कोमल वो उर्वशी है। Yes. कल से नया दी अपने घर में, हम अपने घर में। दीदी आपको बहुत मिस करेंगे, ठीक है? ओके हम मिस करेंगे। ये फॉर्मेलिटी हो रही है, सच में ही करोगे? कौन ये? आप वो आप जिसको पता है मेरा दीदी तैयार है, दीदी को सब पता है कि दीदी बहुत ज्यादा मेरे तो आंसू आ रहे हैं बस दीदी। मैं पानी खत्म हो गया ना अंदर भी पी के आ रहा हूँ, ठीक है उसके बाद रोएंगे। Hey guys, welcome back to the web vlog. So guys, ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं रोने की। Hey guys, तो अभी हम
लवी भैया का ब्लॉग मैं स्टार्ट करी बिकॉज वो नेहा जी के पास है, ये हमारी भाई। हेलो गाइस कह दो। सो गाइस अभी देखो ये लोग नौटंकी कर रहे हैं, दिखा। हे गाइस वेलकम बैक टू द माय ब्लॉग। ओके सो गाइस आज लवी भैया तो गए हैं अपनी दुल्हन के पास, दुल्हन क्या दीदी के पास, मतलब जो मैं हूँ नेक्स्ट कमरे में वो है वो वाले कमरे में, देखो वो वाले। सो जीस लोग आ गए हैं, जीजू लाइक टॉम दिखाते हैं। अभी चलते हैं, यहाँ पर बहुत फोटो शूट हो रहे हैं। अनड़े पनड़े एक हो रहे हैं। कोशिश कर रही मैंने। पहले इन्हें इतना गंदा वाला ब्लॉग बनाना, मैं जब वहाँ गई मीठी को इतना मार दिया, सोई थी वो। अब आपका ब्लॉग है, आप डालना इस पे। अब ब्लॉग बना रही मैं। कैसे तेरी खुद गर्जी ना तू तुझने ना छाओ, कैसे तेरी खुद गर्जी किसे ठोर टिके ना पाओ, कैसे तेरी खुद गर्जी ना तू तुझने ना छाओ, कैसे तेरी खुद गर्जी किसे ठोर टिके ना पाओ। बन लिया अपना पैगंबर, तर लिया तू साथ समंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रहेगा।
शगना दा चलिया आओ सखियों नी वेड़ा सजिया मेरा सजना चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो फाइनली शादी हो चुकी है कंप्लीट और नेहा भी अपने नए घर में पहुंच चुकी है तो विश आ हैप्पी मैरिड लाइफ और भी तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय टेक केयर और वीडियो को शेयर करें लाइक करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें अब चल जाने दे जो भी ओ जगे ताने दे उनकी सुने ना देखो सावन आए रे